नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कोरोना काल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई। जनवरी में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। वही इसी मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। वहीं 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान दोनों देशों को नई मजबूती देने, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गयी। ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान बेहद गर्मजोशी दिखी और उनकी केमिस्ट्री अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का नया अध्याय लिख रही थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक निर्धारित 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे तक चली। कवर किए गए विषयों की इतनी गहराई थी कि बाइडेन ने कहा कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो इसे 2 दिनों से अधिक के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बाइडेन से मुलाकात के अलावा क्वाड शिखर सम्मेलन भी बहुत ही व्यावहारिक और उपयोगी रहा, जो अन्य शिखर सम्मेलनों से काफी अलग था। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रौद्योगिकी, अफगानिस्तान, आतंकवाद, टीके आदि शामिल हैं। बहुत जल्द क्वाड पहल के तहत भारत से 8 मिलियन बायोई टीके शुरू किए जाएंगे। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों की बॉडी लैंग्वेज से एक बात साफ हो चुकी है कि दोनों देश नए सिरे से दोस्ती की परिभाषा को गढ़ने और उस पर आगे बढ़ने के लिए बेताब हैं। बाइडेन और पीएम मोदी की इस दोस्ती की छाप अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में जल्द ही दिखनी शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि वे आज अमेरिका भारत के संबंधों का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। बाइडेन ने भारत और अमेरिका के मीडिया के सामने कहा कि उनका काफी समय से यह मानना रहा है कि अमेरिका और भारत के संबंध वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने में सहायता कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारे समझ में जो सबसे कठिनतम चुनौतियां हैं उनका सामना करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वहीं बाइडेन के साथ हुई बैठक को महत्वपूर्ण करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे इस शताब्दी के 3रे दशक में मिल रहे हैं। यह बैठक करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन से कहा, यह दशक कैसा स्वरूप लेता है इसमें निश्चित तौर पर आपका नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और अमेरिका के बीच और मजबूत मित्रता के लिए बीज बो दिए गए हैं। वहीं बाइडेन ने मोदी के साथ वार्ता में कहा कि अमेरिका भारत संबंध दुनिया की भयंकर चुनौतियों को हल करने की शक्ति रखते हैं। वहीं बाइडेन ने मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2006 में उन्होंने कहा था कि 2020 में
भारत और अमेरिका के संबंध दुनिया के दो सबसे करीबी देशों में से एक है। इसका संकेत साफ है कि दोनों देशों के संबंधों में मधुरता कायम रहेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वहीं यूपी में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी बीच चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी खबर सामने आई, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा की साझेदार रही निषाद पार्टी का गठबंधन अब यूपी विधानसभा चुनाव में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद दमदार तरीके से तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ भी बेहतर तालमेल को लेकर गंभीर है। वहीं भाजपा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा भी कर दी। भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन की घोषणा की। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह तथा प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद थे, जहां पर औपचारिक घोषणा की गई। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने दोनों पार्टी के नेतृत्व आदरणीय संजय जी, संजय निषाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यहाँ के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधामोहन जी, यूपी शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी के उपस्थिति में स्वतंत्र जी ने इसकी औपचारिक घोषणा किया है। साफ है कि निषाद पार्टी को अपने साथ जोड़कर भाजपा पूर्वांचल में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। पूर्वांचल में करीब 150 सीटें हैं और भाजपा ने पिछली बार इस इलाके से 100 से ज्यादा सीटें जीती थी। ऐसे में उस पर किसान आंदोलन के बीच पूर्वांचल से सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दबाव भी है। क्योंकि गोरखपुर से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस से सांसद हैं। निषाद समुदाय का पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट बैंक है। इस समुदाय के तहत निषाद केवट, बिंद, मल्ला, कश्यप, मांझी, गोंड जैसे करीब 22 उपजातियां हैं। ऐसे में भाजपा निषादों के नेता संजय निषाद को अपने पाले मिलाकर इस वोट बैंक को मजबूत कर रही है। निषाद पार्टी के मुखिया इस समय संजय निषाद हैं और उन्होंने 2016 में बसपा का दामन छोड़ निषाद पार्टी बनाई थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने पीस पार्टी ऑफ इंडिया, अपना दल और जन अधिकार पार्टी जैसे दलों के साथ गठबंधन किया था।
लेकिन पार्टी को केवल एक ही सीट मिल पाई थी। इसके बावजूद उनका एक बड़ा वोट बैंक है जो गंगा यमुना और गंडक के किनारे वाले इलाकों में खासा राजनीतिक ताकत रखता है। निषाद समुदाय मुख्य तौर पर पूर्वांचल के भदोही, जौनपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, देवरिया से बस्ती तक 70 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखती है। इसी ताकत के बल पर संजय निषाद ने गठबंधन के पहले भाजपा को साफ कर दिया था कि वह पार्टी का भाजपा में विलय नहीं करेंगे। 2018 के लोकसभा उपचुनाव में निषाद वोट तोड़कर संजय निषाद ने गोरखपुर में भाजपा को बड़ा झटका दिया था। असल में गोरखपुर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से चुनाव लड़े थे और इसका परिणाम यह हुआ था कि भाजपा की प्रतिष्ठा वाली गोरखपुर सीट पर प्रवीण कुमार निषाद समाजवादी उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद में 2019 में प्रवीण कुमार निषाद भाजपा के टिकट पर संत कबीर नगर सीट से लड़े और चुने गए। पूर्वांचल में विधानसभा की 150 से ज्यादा सीटें हैं। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। वहीं समाजवादी पार्टी को 18, बसपा को 12, अपना दल को 8, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 4, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इन आंकड़ों से साफ है कि चाहे अनुप्रिया पटेल का अपना दल हो, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या फिर संजय निषाद की निषाद पार्टी, ये सभी छोटे दल पूर्वांचल में पनपे हैं। भले ही निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान करते वक्त धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि किसान की नाराजगी चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन सरकार ने कृषि क्षेत्र में काम किया है और सरकार किसानों की आय डबल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, लेकिन पार्टी को इस बात का एहसास है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा के लिए किसान आंदोलन से बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। ऐसे में पूर्वांचल उसके लिए इस वक्त बड़ी उम्मीद है। वहीं ओबीसी वर्ग की अगर हम बात करें तो ओबीसी वर्ग में यादवों के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा कुर्मी की आबादी है। एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 20% से ज्यादा है। अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल का वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। इन इलाकों में कुर्मी वोट मजबूत दावेदारी रखते हैं। इनका फायदा भाजपा को पिछले चुनावों में भी मिला था। ऐसे में साफ है कि भाजपा छोटे दलों की प्रयोगशाला में अपने सभी मोर्चे मजबूत करना चाहती है, जिससे कि उसका 350 प्लस का टारगेट किसी प्रकार से पूरा हो सके। हालांकि यह राह कितनी आसान होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।